Well, hello friends, and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया फॉर इट्स 8th डे, यानी कि 8वें दिन का। और फ्रेंड्स, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो फिल्म कल तक 150 करोड़ लग रही थी कि जाएगी, कल जब अनाउंस हुआ कि दिल्ली और अन्य शहर यानी कि जम्मू दिल्ली ये सारे शहर पे थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे, फिर भी उम्मीद थी ये फिल्म 140 तो टच करेगी। लेकिन आज जैसे आपको पता है गाइस, बहुत सारे शहर वापस से अनाउंसमेंट हुई है कि वहां बंद कर दिया गया है सिनेमा घर। केरला, जम्मू, दिल्ली, नेल्लूर, ओडिशा, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, बिहार एंड कर्नाटका। अब गाइस, बागी 3 100 करोड़ के ऊपर कितना जाएगी ये भी कहना मुश्किल है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसके ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। ओवरसीज दिस बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म टिल नाउ ऑफ 2020 इन द ओवरसीज मार्केट, यानी कि अब तक। हाँ, तानाजी अनसंग वॉरियर है जिसने ऑलमोस्ट 35 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट वीक में इसने काफी अच्छा बिजनेस किया है, 2.93 मिलियन, यानी कि 21.68 करोड़ का बिजनेस इसने 7 दिनों में किया ओवरसीज में। इसी के साथ 90.67 नेट बिजनेस, यानी कि 90.67 करोड़ का इंडिया नेट, 107.94 यानी कि 107.94 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस इंडिया में एंड 21.68 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड ओवरसीज में, यानी कि 21.68 यानी कि 21.68 करोड़ का ओवरसीज बिजनेस। इसी के साथ बाकी 3 ने 7 दिनों में 129.62 करोड़, यस फ्रेंड्स, 129.62 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है 7 दिनों में एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। अगर फ्रेंड्स बात करें आज की, तो मॉर्निंग के शो सिर्फ और सिर्फ 12% के थे, आफ्टरनून 14-15%, इवनिंग 17 एंड रात के शोज भी 17-18, यानी कि शहर में लोग फिल्म देखने के कोई मूड में नहीं है। एंड कई जगहों पर तो सिनेमा घर अभी शाम से ही बंद कर दिए गए हैं। नेल्लूर में आज शाम से सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है एंड कल से सिनेमा घर खुलेंगे नहीं। ऑलमोस्ट 50-60% सिनेमाज इन इंडिया हैव बीन शट डाउन। कल से लेट्स सी गाइस कितने जगह ये फिल्म कितना कमाती है, वो कल रात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल माय प्रेडिक्शन फॉर बागी 3 ऑन इट्स 8th डे इज 2.50-3 करोड़। यस फ्रेंड्स, सिर्फ ये फिल्म 2.5-3 करोड़ कमाएगी, एंड अगर कल ये 3 करोड़ कमा लेती है, इसके 8 दिनों का टोटल 93.67 करोड़ होगा, यानी कि 93.67 करोड़। और फ्रेंड्स बात करें बागी 3 के शो काउंट की, यानी कि उसके दूसरे हफ्ते की, दिल्ली एनसीआर में कल तक 1040 शोज से अभी सिर्फ 242 शोज है, 14% की ऑक्यूपेंसी है। कल से ये सारे के सारे भी बंद हो जाएंगे। मुंबई में कल तक 1008 शोज थे, आज 385 शोज है एंड लास्ट डे आज इसका मुंबई में। फिर ये 31 को जब सिनेमा खुलेंगे तब का पता नहीं मुझे बागी 3 लगाएंगे कि नहीं, लेकिन आज मुंबई में आखिरी दिन है 15% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में भी इसका आखिरी दिन है, 152 शोज है, 9% की ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर में 92 शोज, 12% ऑक्यूपेंसी। तो कल से दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में बागी 3 क्या कोई भी फिल्म नहीं लगेगी। हैदराबाद में 147 शोज में 13% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 139 शोज में 19% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद स्टिल नाइस शोज 172 शोज में 17% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई में सिर्फ 24 शोज बचे हैं 8% की ऑक्यूपेंसी एंड सूरत में 121 शोज में 21% की ऑक्यूपेंसी है। लेट्स सी गाइस बागी 3 कितना बिजनेस करेगी, ये तो कल हमें जब ऑफिशियल फिगर आएगा तब पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली गाइस, कल से फिल्म्स बंद होगी, थिएटर्स बंद हो जाएंगे एंड जितने लोग अभी उनको नहीं पता, मैंने शहरों के नाम बता दिए हैं। लेट्स सी, कल सुबह तक आई थिंक पूरे इंडिया में थिएटर्स को बंद कर दिया जाएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।